दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर पिछले विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली की वोटर लिस्ट से लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। केजरीवाल ने कहा है कि वोटर लिस्ट में से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से अधिकतर लोग वहीं रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि लिस्ट से नाम काटने की वैधानिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है, जिससे नाम काटे जाने की मंशा पर शक होता है। केजरीवाल ने यह दावा करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से अधिकतर लोग या तो कांग्रेस के हैं या फिर आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। केजरीवाल चुनाव आयोग के अफसरों पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा हो सकता है चुनाव आयोग ने ग्राउंड लेवल के अफसरों ने बीजेपी के कहने पर ऐसा किया हो, जिससे वह लोग आने वाले चुनावों में वोट ही न दे सके, क्योंकि उन्हें डर है कि एक बार फिर से बीजेपी दिल्ली से गायब न हो जाए। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ वर्षों में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बहुत बड़े स्तर पे वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 10 लाख वोट कटे हैं पिछले विधानसभा चुनाव के बाद। अगर इन वोट जो कटे वोट हैं उन पे नज़र एक दौड़ाई जाए तो ये अधिकतर वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं। बीजेपी को चुनाव हारने की पूरी बीजेपी मान चुकी है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, तो अब उनके पास दो ही तरीके हैं कि ईवीएम को छेड़छाड़ कर लो और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर लो। तो इस तरह से वोटर लिस्टों से बड़े स्तर पे बीजेपी के लोग नीचे के अधिकारियों से मिलकर नाम कटवा रहे हैं। हमने सैंपल के तौर पे 9 नामों की लिस्ट दी उनको, जिस पे दिल्ली सरकार ने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि पीएफओ ने अपनी मर्जी से अपने घर पे बैठ के 9 नाम काट दिए। और जब मैंने इंक्वायरी कराई तो उन्होंने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करते हैं, हमसे गलती हो गई। और तो हमारा एक तो इनको ये था कि ये जितने नाम कटे हैं इन सारे कटे हुए नामों के लिस्ट को वेबसाइट पर डाला जाए। इसमें हमें खुशी है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक की भी हमारा ये कहना था 31 अक्टूबर तक की लिस्ट आप वेबसाइट पर डालिए, तो उनका ये कहना है कि जब तक की भी लिस्ट अवेलेबल है। हमने कहा जी सारी लिस्ट अवेलेबल होगी, जब तक का क्या मतलब है आपकी, जब तक तो 31 अक्टूबर वेबसाइट पर डालिए ताकि सारी पार्टीज उस लिस्ट को देख के उसको डाउनलोड करके और उनके घर जाके इनके वोट दोबारा बना सके। दूसरा और इसी तरह से एडिशंस बहुत सारे में एडिशन की लिस्ट भी वेबसाइट पर डाली है। दूसरा हमने उनसे निवेदन किया था कि अगर ये लिस्ट सॉफ्ट कॉपी में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दें तो लोगों को उसके प्रिंटआउट एक साथ नहीं तो हर एक के स्क्रीनशॉट की प्रिंटआउट लेना पड़ेगा। अगर आप एक साथ दे दें उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम सॉफ्ट कॉपी नहीं देंगे, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन स्क्रीनशॉट्स की कॉपीज लेने। दूसरा उनसे हमने कहा कि जिन अधिकारियों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनसे हमने निवेदन का एक एरिया बताइए तो डालकुआ और तुगलकाबाद ये दो सैंपल बेसिस पे सारी पार्टियों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग करके चुनाव आयोग के अधिकारी वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें कितने जिन नाम कटने वो हैं। अगर वहाँ पे पाया गया कि वाकई बड़े स्तर पे गलत नाम काटे गए हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इस तरह की फिर इंक्वायरी पूरी दिल्ली में सारी वोटर लिस्ट के ऊपर की जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग ने। हमारे SKR न्यूज चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें।